अब सिद्धार्थ अवस्थी तो बीजेपी का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं भैया, और संकेत भी दे रहे हैं कि बीजेपी में घर वापसी हो सकता है। हम कल नौतरी आपका बता दी कि देखा तो भैया सिद्धार्थ अवस्थी जी अपने फेसबुक पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ पुरानी फोटो डाली है और साथ ही साथ दो शब्द भी लिखे हैं। इन्होंने लिखा कि मेरा ही नहीं बल्कि हर राष्ट्र धर्मी का विश्वास कल भी अटल था और आज भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हमेशा रहेगा, पंडित सिद्धार्थ अवस्थी। तो भैया यू फोटो संकेत दे रहा कि देखो घर वापसी हो सकत है, सिद्धार्थ अवस्थी जी वापस से बीजेपी में शामिल हो सकत है। बाकी आपकी क्या रिकमेंड कीजिएगा, संकेत है भैया, हम गलत तो नहीं का आपका बता दी। बाकी दूसरा खबर देख ली था। अब होली का त्यौहार भैया शुरू हो गया, दुकानें उगाने सज चुकी हैं, बहुत गजब का नजारा मार्केट में देखने को मिल रहा है। ऐसे बाराबंकी पुलिस देखा तो सुरक्षा का एहसास दिला रही थी। बाराबंकी जिले के एसपी दिनेश कुमार सिंह जी, नगर कोतवाल भैया अजय कुमार त्रिपाठी जी और सीओ साहब जगत कनौजिया जी, एडिशनल साहब भैया सी एन सिन्हा जी, सब जिन्हें देखा तो बाराबंकी जिले के मार्केट में फ्लैग मार्च करते रहे, सुरक्षा का एहसास दिलावत रहा है और भ्रमण करते रहे। और दुकानें देखा तो भैया सजी धजी दिखाई दे रही थी, रंग गुलाल पिचकारी सब आए गए भैया, होली का त्यौहार आ रहा 25 तारीख का। बाकी आपकी क्या रिकमेंड कीजिएगा, दूसरा खबर देख ली थन। अब यू देखो भैया, बाराबंकी जिले के जयपुर क्षेत्र की पुलिस द्वारा बहुत बड़ी कार्रवाई की गई, एक नहीं दो नहीं चार नहीं पांच नहीं छह नहीं सात नहीं कम से कम 8 ठोरी भैया देखा तो पशु तस्करण का गिरफ्तार किया गया। सब जने देखा तो पशुओं की तस्करी कराती हैं और भी गौवंशियन केयर आऊ का भैया देखा तो सब बकायदा गौवंशीय पशुओं का बरामद किया गया, 64 ठोरी भैया बरामद की गई है और वाहन और काकत हैं चापड़ और कुल्हाड़ी ने वो तो सब बरामद किया हुआ। पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है, 8 ठोरी भैया जयपुर क्षेत्र में पशु तस्करण के गिरफ्तार किया हुआ। हम गलत तो नहीं आपका बता दी, बाकी दूसरा खबर देख ली थन। अब राजीव भैया तो पूरा का पूरा मसाला उठा ली इनका बात है भैया, मामला बाराबंकी जिले के भैया देखा तो बंकी नगर पंचायत काम गलत होने का आपको बता दी कि मतदाता जागरूकता मसाल रैली निकाली गई बंकी नगर पंचायत में। इस दरमियान भैया नया तहसीलदार प्रियंका शुक्ला भी रहे, उनके साथ भैया देखा थी हो क्षेत्रीय सभासद भी दिखाई दे रहे, रजी सिद्दीकी भी रहे, इरफान भी रहे और भैया सभासद प्रतिनिधि राहुलो दिखाई दे रहे, उपेंद्र रहे, बहुत जन उपस्थित रहे। बाकी दूसरा खबर देख ली था। अब जिला खाद विवरण अधिकारी साहब तनिक सुन लीजिए और देख लीजिए, कल्लू की पत्नी शिकायत करी है जिला अधिकारी का कि देखो साहब ऐसा है, बाराबंकी जिले के बंकी दक्षिण टोला पर जाती है, नगर कोतवाली क्षेत्र का मामला है, यहाँ पर बगदा कोठेदार साहब ही हैं, वो ढंग से बगदा कोटा नहीं दियाती है, जब भैया वो बेचारी लाइन में खड़ी रहती है उनकी बारी आवती है तो उनका कोटा नहीं मिलती है और बल्टी में तोल तोल के कोटा दिए थे, अभी तक आरोप लगाए गए। इन सब आरोपों की पुष्टि हम तो नहीं करी थन, लेकिन बेचारी सोनावती जी अप्लीकेशन ही नहीं है जिलाधिकारी का और ऑनलाइन भैया मुख्यमंत्री जी का भी शिकायत करनी है पोर्टल पर, कार्रवाई की मांग कर रही हैं। हम कहना तो नहीं आपका बता दी कि खाद विवरण अधिकारी साहब देखेंगे, जिलाधिकारी देखेंगे और तनिक कार्रवाई करेंगे, लेकिन उम्मीद करेंगे कोटेदार साहब से कि देखो साहब हो सके तनिक बकायदा ढंग से तौल ताल के दे दिन करो, वरना हम कुछ बोलेंगे तो आप हमारी बातें बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और ना अधिकारी बर्दाश्त कर पाएंगे, तो आप समझ सकती हो भैया इनकी समस्या का समाधान करो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शाम को मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा देना।